कोरोना महामारी से निपटने के लिए देश भर में लॉकडाउन का चौथा फेज जारी है। ऐसे में देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे मजदूरों को राज्य सरकारें वापस भेजने की दिशा में सक्रिय हैं और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी प्रवासी मजदूरों को वापस भेजने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी के तहत जयपुर में फंसे करीब 2800 लोगों को ट्रेन के जरिए वापस अपने गृह राज्य बिहार भेजा गया। इस दौरान सबसे पहले इन प्रवासी मजदूरों का पूरा ब्यौरा लिया गया और साथ ही उनका मेडिकल टेस्ट भी करवाया। प्रवासी मजदूरों को वापस भेजने की जो एक जद्दोजहद में सरकारें लगी हुई हैं, उसके चलते आज राजस्थान के जयपुर जंक्शन स्टेशन से करीब 2800 बिहार के मजदूरों को बिहार भेजा जाएगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो बसें हैं वो लगातार यहां पर पहुंच रही हैं, जिसमें करीब 2800 जो मजदूर हैं जिनको दो ट्रेनों के जरिए आज बिहार भेजा जाएगा। जिसके बाद ये जो मजदूर हैं ये काफ़ी दिन से जो परेशान चल रहे थे, जिन्होंने अपनी ऑनलाइन रिजर्वेशन करा रखे थे, सिर्फ उन्हीं मजदूरों को लाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो लगातार बसें हैं वो लगातार आ रही हैं, जो मजदूर हैं वो बिहार जाना चाहते हैं, जिसके चलते जो राजस्थान सरकार है वो लगातार प्रयास कर रही है। कहाँ पर जा रहे हैं आप? बिहार भागलपुर भैया। तो आपने कब रिजर्वेशन करवा रखा था इसको लेकर? दो तीन हफ्ते हो गए, तीन हफ्ते से ऊपर ही हो गया। बिल्कुल तीन हफ्ते से जो रिजर्वेशन कराया था वो लोग पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो लगातार बसें हैं वो यहाँ पर पहुंच रही हैं। करीब 25 जो बसें हैं वो अभी तक यहाँ पर आ चुकी हैं, जिसमें करीब 1400 के लगभग जो बिहार के मजदूर हैं वो लोग आ चुके हैं। आप कहाँ पर जा रहे हैं? जी जहानाबाद। जहानाबाद जी। लगभग बिहार के सभी मजदूर हैं यहाँ पर जिनको राजस्थान से बिहार भेजा जा रहा है। राजस्थान सरकार और जिला प्रशासन इसकी जद्दोजहद में शुरू से लगा हुआ था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा जो कवायद शुरू करी गई थी उसके तहत करीब आज 2800 बिहार के मजदूरों को बिहार भेजा जाएगा। मैं कैमरा पर्सन विजय गिरी के साथ ऋषभ पांडे, एवन टीवी न्यूज़, जयपुर।